नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं आपका अपने न्यूज चैनल टी विजय यादव। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दो खास मोबाइल फ़ोन जिन जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, और अगर आप इन दोनों मोबाइलों को किसी एक को ले परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं तो कोशिश करूँगा आपकी कन्फ्यूजन को मैं दूर कर सकूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों मोबाइल मेरे हाथ में हैं, काफ़ी देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके लिए जो भी नया वीडियो लाया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन में पीसी में मिल सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले इसके डिज़ाइन के बारे में, तो आपको दोनों में देखने को मिल जाता है पॉलीकार्बोनेट डिज़ाइन, दोनों ही आते हैं काफ़ी अच्छे लुक के साथ में, काफ़ी प्रीमियम दोनों फ़ोन देखने में लग रहे हैं। और बात करें कि थिकनेस के बारे में, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे आईक्यू थोड़ा सा बड़ा देखने को मिल जाता है और नोट सी थोड़ा सा पतला और छोटा देखने को मिल जाता है। दोस्तों बात करें इसकी वेट की, तो आपको यहाँ पे आईक्यू देखने को मिलता है थोड़ा सा भारी, क्योंकि ये इसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा है, इस वजह से तो 185 ग्राम का है। यहाँ पे थोड़ा सा ये हल्का देखने को मिल जाता है नोट, जो कि 170 ग्राम का है, क्योंकि इसका साइज़ भी थोड़ा सा छोटा है। तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है वेट में, काफ़ी सिमिलर से दोनों देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों बात करें दोनों फ़ोनों के डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर देखने को मिलती है नोट सी में आपको देखने को मिलती है सुपर एमोलेड डिस्प्ले, वहीं आपको आईक्यू में देखने को मिल जाती है IPS डिस्प्ले। दोस्तों बात करें कि थोड़ी डिज़ाइन के बारे में, तो आपको यहाँ मिलती है पंच होल डिस्प्ले और यहाँ पर आपको मिलती है वाटर नोट डिस्प्ले। मैटर करता है आपको कौन सी डिस्प्ले पसंद आती है, इसमें मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, तो अपनी मैटर ऑफ चॉइस है, जो आप पसंद आए वो आप देख सकते हैं। दोस्तों बात करें दोनों फ़ोनों के फिंगरप्रिंट के बारे में, तो आपको नोट सी में देखने को मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, वहीं आपको IQ में देखने को मिलता है साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर। दोस्तों IQ में आपको देखने को मिल जाता है 6.5K 8 इंच का फुल HD डिस्प्ले, वहीं आपको मिलता है नोट सी में 5.43 का सुपर एमोलेड डिस्प्ले। दोस्तों बात करें दोनों फ़ोनों के रिफ्रेश रेट के बारे में, तो यहाँ पे आपको नोट सी देखने को मिलता है 90 Hz का रिफ्रेश रेट, वहीं आपको IQ में देखने को मिलता है 120 Hz का रिफ्रेश रेट, जो कि थोड़ा सा स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाएगा IQ में। दोस्तों दोनों ही फ़ोन 5G सपोर्टेड हैं और दोनों ही एंड्रॉयड 11 बेस्ड पे परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों बात करें दोनों फ़ोनों के प्रोसेसर के बारे में, तो वहीं आपको देखने को मिलता है नोट सी में स्नैपड्रैगन 750 प्रोसेसर, वहीं आप अगर बात करें IQ के बारे में, तो आपको IQ में देखने को मिलता है 768G प्रोसेसर, क्योंकि IQ इंडिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें ये प्रोसेसर कंपनी ने दिया है। अब दोस्तों बात कर लेते दोनों फ़ोनों के कैमरास के बारे में, तो आपको दोनों ही फ़ोनों में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है और दोनों ही फ़ोनों में लगभग सेम कैमरा आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों दोनों ही फ़ोनों में आपको मिलता है 64 MP का मेन कैमरा और वाइड एंगल लेंस आपको 8 MP का मिलने वाला है और माइक्रो लेंस आपको 2 MP का मिलने वाला है, जो कि आता है LED फ्लैश के साथ में। दोस्तों बात करें इसके फ्रंट कैमरा के बारे में, तो आपको दोनों में 60 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलने वाला है, जो कि काफ़ी सेम परफॉर्मेंस देने वाले हैं। और दोस्तों इसका डीप रिव्यू मैं आपको कैमरा टेस्ट की वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें आपको चैनल पे आके मिल जाएगी, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप वो वीडियो देख सकें कैमरा रिव्यू की। दोस्तों बात करें दोनों फ़ोनों की बैटरी के बारे में, तो आपको दोनों ही फ़ोनों में सिमिलर बैटरी देखने को मिलती है, जो कि IQ में देखने को मिलती है आपको 4500 MAh की बैटरी और वहीं आपको मिलती है नोट में 4400 MAh की बैटरी। दोस्तों जो डिफरेंस आता है वो इसकी चार्जर में, दोनों ही फ़ोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, बट IQ आपको यहाँ देखने को मिलता है 55 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, वहीं आपको देखने को मिलता है नोट सी में 30 वोल्ट का रैप चार्जिंग। दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों फ़ोनों के प्राइस के बारे में, तो प्राइस में यहाँ पर आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलने वाला है, क्योंकि OnePlus ब्रांड अपने आप में ही अलग ब्रांड है, एक प्रीमियम ब्रांड है, इसलिए थोड़े इसकी प्राइस महंगे रहते हैं हमेशा हर फोन के, तो इसके भी थोड़े से प्राइस इससे महंगे हैं। तो बात करें दोनों फ़ोन मेरे हाथ में 8GB और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में है मेरे हाथ में, जो आप देख रहे हैं। तो बात करें प्राइस के बारे में, तो आपको यहाँ देखने को मिलता है 25,000 रुपये में नोट सी और वहीं आपको देखने को मिलता है 21,000 रुपये में IQ Z3 5G। ये मैं प्राइस आपको बता रहा हूँ बिना किसी डिस्काउंट के बारे में, जो कि साइट लिस्टेड है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगला वीडियो होने वाला है हमारा कैमरा टेस्ट के बारे में और स्पीड टेस्ट के बारे में, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि मैं अपनी जो भी नया वीडियो लगाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में या PC में मिल सके। तो थैंक यू।